नमस्कार, मैं हूं यश कुमार। आज एक बड़े मुद्दे की बात कहने के लिए मैं आप सभी के बीच में आया हूं। अभी एक्चुअली मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं मिर्जापुर में। शूटिंग करते करते आज मेरी मुलाकात जिस गाड़ी में मैं आता जाता हूं उस गाड़ी के ड्राइवर से बातचीत शुरू हुई। आज बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैंने आपकी काफी फिल्में देखी हैं जो आप बेटियों के ऊपर बनाते हैं। बहुत सारी फिल्में आपने बेटियों के ऊपर बनाई है जो समाज को संदेश देती है, एक मैसेज देती है। मैंने मजाक में उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, तो उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताया कि ये करता हूं जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। उनकी बेटी की शादी है, एक ड्राइवर इंसान जो ड्राइविंग करते हैं कितनी मुश्किल से उनका घर चलाते होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर का पेमेंट आप जानते हैं कि महानगरों में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, पर छोटे शहरों में 200-300 रुपए रोज के, जिससे अगर 5 लोगों का परिवार है तो बड़ी मुश्किल से चीजें चलती होंगी। बातों बातों में ड्राइवर साहब का दर्द छलका, बोले कि यश कुमार जी काश ये दहेज प्रथा खत्म हो जाती। मींस वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और उसमें 2 लाख रुपए उनको नगद देना है, कैश दहेज के रूप में। मैं समस्त हिंदुस्तान से एक सवाल करना चाहता हूं उन नौजवानों से, एक सवाल करना चाहता हूं जो शादी करते हैं दहेज लेते हैं, उन मां बाप से सवाल करना चाहता हूं जो अपने बच्चे के लिए दहेज मांगते हैं। और मेरा सवाल यह है कि जो मां बाप अपने बच्चे के लिए दहेज मांगते हैं, क्या आपको अपने बच्चे के पुरुषार्थ पर शक है? क्या आपको यह शक है कि आपका बच्चा 2 वक्त की रोटी कमा करके अपने परिवार को खिला पिला नहीं सकता है? एक मर्द की असली पहचान यह होती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण अपने दम पे करे। आप अपने बच्चे को बेच रहे हैं दहेज मांग करके। सही मायने में तो यही हो गया ना कि मैं अपने बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच रहा हूं, मैं अपने बच्चे को 5 लाख रुपए में बेच रहा हूं। भाई मैंने, मेरे बच्चे की शादी होगी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मतलब आपने अपने बच्चे को 5 लाख में बेच दिया, आपने अपने बच्चे को 2 लाख में बेच दिया। जो जितना काबिल होता है उतने वो उतने रुपए में अपने बच्चे को बेच देता है। क्या आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बेचने के लिए? सोचने वाली बात है, सोचिएगा कि आप अपने बच्चे का दहेज नहीं मांग रहे, आप अपने बच्चे को बेच रहे हैं। उन हिंदुस्तान के नौजवानों से मेरा अनुरोध है, मेरा ये एक सवाल है कि क्या आप मर्द नहीं है जो आप पैसा मांग रहे हैं? मर्द की असली पहचान होती है कि वो अपने बीवी को अपने बच्चे को कमा करके अपने दम पे पाले। कहां गया वो पुरुषार्थ, कहां है वो आत्मसम्मान की नहीं यार मैं दहेज क्यों लू बॉस, मैं अपने दम पे अपनी बीवी को पाल सकता हूं, अपने दम पे अपने बच्चों को पाल सकता हूं, अपने दम पे गाड़ी खरीद सकता हूं, अपने दम पे साइकिल मोटरसाइकिल कार जो कुछ भी है, अपने अंतर पुरुषार्थ को पैदा करिए कि आप ये चीज खरीद सकिए। एक मजबूर एक बेटी के बाप से दहेज नाम की चीज लेते हैं, शर्म आनी चाहिए, यकीनन शर्म आनी चाहिए। एक बाप जो अपनी बेटी को पैदा करता है, एक मां जो बच्ची को जन्म देती है 20 साल 25 साल जब भी वो शादी करते हैं, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल अपने उस जिगर के टुकड़े को अपने घर में रखते हैं, उसे पालते हैं पोसते हैं 30 साल तक 25 साल तक, शादी के पहले तक वो उस घर में रहती है, उसका अपना घर है, वहां पे पलती बढ़ती, उसके सारे खर्चे उसकी सारी जिम्मेदारियां उसकी सारी डिमांड्स को मां बाप पूरी करते हैं, उसके बाद उसकी शादी के लिए भी पैसा। शर्म आनी चाहिए पुरुष प्रधान देश को जो दहेज के नाम पर पैसा मांगता है।
अरे कोई अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है यार, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उसे स्वीकार करिए हाथ जोड़ करके। शर्म आती है मुझे जब मैं सुनता हूं कि फलाना बाप अपनी बेटी की शादी टेंशन में कर रहा है, कर्जा मांग रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे मेरी भी बहन की शादी याद आ रही है। आज आप सभी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, पर एक वक्त था कि मैंने भी अपने पिता को अपने घर के बाहर खेत के कोने पर बैठ करके दहेज के पैसे के लिए रोते हुए देखा था, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता था। आज भी मैं साधारण ही हूं, बस ईश्वर ने दो वक्त की रोटी दी है जिससे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ दिया है भगवान ने। पर मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा है दहेज के पैसे के लिए। आज एक ड्राइवर को देखा था गाड़ी में आते समय, जिसको इस बात का टेंशन है कि दहेज का पैसा आएगा कहां से। निवेदन करता हूं मैं समस्त हिंदुस्तानियों से, हर मां बाप से निवेदन करता हूं, हर उस नौजवान से निवेदन करता हूं कि अगर आपके मां बाप दहेज के लिए लड़की वालों से पैसा मांगते हैं तो उनको रोकिए, बोलिए कि कोई अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, पैसा मत मांगो यार, हो सके तो मदद करके शादी करिए। नहीं आपके अंदर कैपेसिटी है, नहीं कैपेबल है, तो मंदिर में जाकर के ईश्वर को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के 10 रिश्तेदारों के साथ में शादी कर लीजिए, पर पैसे जैसी चीज लड़की के परिवार से मत मांगिए। यश कुमार का निवेदन है आप सबसे, लड़की को जब आप अपनाएंगे ना बॉस, यकीन मानिए एक पति के रूप में नहीं, वो आपको एक देवता के रूप में पूजेगी, क्योंकि उसके मां बाप के दर्द को आपने समझा है। मैं हर नौजवानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दहेज लेकर के शादी मत करो दोस्तों, आज नहीं कल तुम भी एक बेटी के पिता बनोगे और वो चक्र घूम करके आपके सामने भी आएगा कि आपको दहेज देना पड़ेगा। खत्म करिए ये दहेज प्रथा यार, एक मां बाप के दर्द को समझिए। बहुत दर्द है यहां पर, आज लगा मुझे कि मुझे बोलना चाहिए, दहेज एक अभिशाप है, समाज से खत्म करिए इसे। बहुत कुछ है बोलने के लिए, मन भरा हुआ है, बोलना नहीं चाहता हूं। प्लीज हर मां बाप से यश कुमार का निवेदन है कि बच्चे की शादी करिए, उसे बेचिए मत, दहेज मांग करके लड़की वालों के ऊपर प्रेशर मत बनाइए और खुद को शर्मिंदा मत। हर नौजवानों से निवेदन है कि अगर मां बाप दहेज मांगते हैं तो रोकिए उनको कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए जो हमारे परिवार को, हमारे मां बाप को अपना मां बाप समझ के, हमारे भाई बहन को अपना भाई बहन समझ के, हमारे परिवार को स्वर्ग बना सके। दैट्स इट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि मेरी बातों को लोग सीरियस लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि लालची लोभी इंसान तो हर जगह भरे पड़े हैं, पर यकीन मानिए अगर मेरी बातों को सोच करके समझ करके कुछ लोग अगर बिना दहेज के शादी किए तो मैं समझूंगा कि यश कुमार का ये वीडियो बनाना, अपनी भावना भरी बातों को रखना आप सबके सामने स्वार्थ हो गया। प्लीज, एक मुझे गाना याद आ रहा है, उसका एक लाइन गाऊंगा मैं। बेटिया के दुख कबाई तक न जाने, तब निदर दिलो गवा बने न जाने, बेटा हाथ जुलमी अंग्रेज हो गए, बेटी जन मावल परहेज हो गए, बेटी जन मावल परहेज हो गई। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कन्याओं को गर्भ में इसलिए भी मारा जाता है कि मां बाप दहेज का पैसा नहीं जमा कर सकते। जब पता चल जाता है कि गर्भ में बेटी है तो बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के पैसे के लिए। तो इस पाप के भागी मत बनिए, पाप के भागीदार मत बनिए, और आइए इस दहेज प्रथा को समाज से हमेशा के लिए खत्म करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी आप लोगों को जानते हो, जो भी आप लोगों को सुनते हो, दहेज के विरोध में खड़े होइए, ताकि एक पिता हंस करके अपनी बेटी को पढ़ाए,
हंस करके अपनी बेटी को पाले पोसे और हंस करके उसकी शादी करे, ना कि दिमाग पर बोझ लेकर के शादी में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जो जिस तरीके का है उस तरीके का प्रेशर ले। आइए इस प्रेशर को खत्म करते हैं और यश कुमार के इस मुहिम में साथ में जुड़िए, दहेज को खत्म करते हैं, बस रिश्तों को अपनाते हैं, किसी की बेटियों को अपने घर की शान बनाते हैं और दहेज प्रथा के विरुद्ध एक आवाज उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और आखिरी शब्द यही कहूंगा आप सभी से कि प्लीज दहेज के विरोध में आवाज उठाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। लव यू ऑल।